हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को नेक्टोलोपिया की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कम्प्लीटली रिलीफ करती है। नेक्टोलोपिया क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्टोलोपिया मीन्स होता है इनएबिलिटी टू सी वेल एट द नाइट एंड पुअर लाइट। मीन्स ये इनको रात में प्रॉपरली नहीं दिखता है, ये किसी भी तरीके का मतलब फुल ब्लाइंडनेस नहीं होते हैं। ये इनको सिर्फ रात में जैसे ही डार्कनेस के टच में आते हैं या नाइट होती है तो उनको एक धुंधला सा दिखता है। प्रॉपरली वो कुछ भी सीन नहीं कर सकते, वॉश नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसको नेक्टोलोपिया कहते हैं। इनके कॉजेस होते हैं, ये एक तरीके की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है लाइक विटामिन ए, ठीक है, और या किसी तरीके का आई डिसऑर्डर हो जाना जैसे ग्लाइकोमा, कैटरेक या अदर हेल्थ इशूज हो जाते हैं, उनके कारण भी ये कंपेन अपियर हो जाती है। तो इसे फुल ब्लाइंडनेस नहीं कहते हैं। इनके साइनिंग सिम्टम होते हैं जैसे नियर साइडनेस, ब्लूइट रीजन, कैटरेक्स, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, रिनिटाइटिस, पिगमेंटोसा, अदर हेल्थ सिस्टमेटिक कंडीशंस, क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसे भी कंप्लेंस होती हैं, अपियर हो जाती हैं। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिंस है, आप इसके साथ एक विटामिन ए रेटिनॉल सप्लीमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, 1 टैबलेट। होम्योपैथी के साथ में किसी भी तरीके का सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट के। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन फर्स्ट है लाइकोपोडियम 200 2 टाइम्स अ डे, 4-8 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लीवर या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में लाइकोपोडियम यूज़ करिए। सेकेंड मेडिसिन है चाइना 30 2 टाइम्स अ डे, 4-12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ करना है? अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, वायरल इन्फेक्शन है या फीवर है या किसी तरीके का क्रॉनिक फीवर है, उसकी वजह से आपको ये आई डिसऑर्डर भी हो गया है, नेक्टोलोपिया डेवलप हो गया है, तो उस कंडीशन में आप चाइना यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है फाइटोसिग्मा, ये 30 2 टाइम्स अ डे, 4-12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइटोसिग्मा आप कब किस कंडीशन में यूज़ करना है? जब किसी कारण से कोई आई डिसऑर्डर अपियर हुआ है, मायोपिया, लैक्रमेशन, ग्लाइकोमा या किसी तरीके की कोई एलर्जीज हो गई है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं फाइटोसिग्मा 30 2 टाइम्स अ डे, 4-12 वीक के लिए यूज़ करिए। नेक्टोलोपिया से अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में